नमस्कार। हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम से मैं हूँ शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। हिमाचल कैबिनेट की बैठक कल, विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर होगा फैसला। आईजीएमसी पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, कोविड वार्ड का किया दौरा, कोरोना मरीजों का जाना हालचाल। हिमाचल में अब तक कोरोना के 165 मामले आए सामने, 603 हुए ठीक। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में 5 ने तोड़ा दम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर किया पलटवार, बोले अपने विधायकों की करें चिंता। ड्यूटी से बंक मारना 5 पुलिस और 2 गृहरक्षक जवानों को पड़ा महंगा, एसपी ने किया सस्पेंड। विधायक राजेंद्र राणा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा घोषित करने की उठाई मांग, बीमा लाभ भी मांगा। धर्मशाला के टैक्सी ऑपरेटर्स की शीतकालीन सत्र से जगी उम्मीद, सीएम जयराम ठाकुर को भेजा ज्ञापन। आज संपन्न हुआ 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला। डीसी सिरमौर ने देवताओं की पालकी को कंधा देकर की विदाई। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल कैबिनेट की बैठक कल यानी 1 दिसंबर को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक दोपहर 2 बजे होगी। बैठक में हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर फैसला लिया जाएगा। सत्र को टाला जाए या फिर सत्र शिमला में होगा या फिर धर्मशाला में, इस पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें सत्र को लेकर फैसला लिया जाएगा। सीएम ने माल रोड पर कोरोना को लेकर लोगों द्वारा बरती जा रही सावधानियों पर संतोष जाहिर किया है। सीएम ने कहा कि माल रोड में सभी लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं, लोग कोरोना को लेकर काफी जागरूक हैं, वे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इसमें कांग्रेस व सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा ने सत्र बुलाए जाने को लेकर हामी भरी है। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर दो टूक कह चुके हैं कि अगर सत्र होगा तो धर्मशाला में ही होगा। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल आज आईजीएमसी पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। डॉक्टर राजीव सैजल ने पॉजिटिव से नेगेटिव हुए लोगों जिनमें एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी हैं, उनसे कोविड वार्ड में सेवाएं देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो वह आगे आ सकते हैं। इस दौरान उन्हें करना कुछ नहीं है, बस मरीजों से बातचीत करनी है। वहीं कोविड वार्डों में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाने वाले आलोचकों को भी डॉक्टर राजीव सैजल ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने सरकार की आलोचना करने वालों से भी आह्वान किया है कि वे भी हिम्मत कर कोविड वार्डों का दौरा करें और व्यवस्थाओं को देखें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आज आईजीएमसी में कोविड वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों से उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग की तैयारियों को जानने के लिए कोविड वार्ड का दौरा करने के अतिरिक्त कोई साधन नहीं था, इसलिए निर्णय लिया गया कि कोविड वार्ड में जाकर रोगियों से बातचीत की जाए और उनकी दिक्कतों को सुना जाए। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 165 मामले सामने आए हैं। इसमें कांगड़ा में 55, सोलन में 53, शिमला में 19, सिरमौर में 18, ऊना में 16 व चंबा में 4 मामले सामने आए हैं। वहीं 603 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। शिमला के 224, हमीरपुर के 176, कुल्लू के 93, चंबा के 39, सिरमौर के 22, ऊना के 20, बिलासपुर के 18 व किन्नौर के 11 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। प्रदेश में आज अब तक 9 की जान गई है। हिमाचल के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कुल्लू हनुमानी बाग निवासी 66 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग, कुल्लू कटरई निवासी 74 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित महिला, बिलासपुर के चुहरड़ी निवासी 84 वर्ष संक्रमित बुजुर्ग, गुटकर निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित महिला और कपरीडी वर्सर हमीरपुर के 71 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। पालमपुर की 61 वर्षीय बुजुर्ग और योल के 42 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से टांडा अस्पताल में मौत हो गई। कांगड़ा में विंद्रावन पालमपुर के 61 वर्षीय व्यक्ति की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 40,168 पहुंच गया है। अभी 8,196 एक्टिव केस हैं। अब तक 31,296 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर जा चुके हैं। बात करें कोरोना डेथ के आंकड़े की तो वह 630 पहुंच गया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अपने विधायकों की चिंता करें और प्रदेश सरकार एवं सीएम पर बेबुनियादी बयानबाजी को तुरंत बंद करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर एक सशक्त नेतृत्व की प्रतिमा बनकर सामने आए हैं। प्रदेश बीजेपी सरकार ने अपने लगभग 3 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सुशासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से लागू किया है और यही कारण है कि इन 3 वर्ष में सरकार के दामन पर एक भी दाग नहीं लगा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 के दौरान में जब पूरी दुनिया इस भयंकर महामारी से जूझ रही है, सीएम जयराम ठाकुर की कार्यकुशलता और स्वयंबद्ध निर्णयों से प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिस्थिति को जानने के लिए एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन कांग्रेसी नेता पार्टी और विपक्ष दोनों बंद कमरों से चलते हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना महामारी के बीच अपनी ड्यूटी से बंक मारना पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के जवानों को महंगा पड़ गया। एसपी वद्दी रोहित मालपानी ने ड्यूटी से नदारद पाए जाने पर पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के जवानों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मध्यरात्रि करीब 1 से 2 बजे के बीच सादी वर्दी में पुलिस थाना बद्दी व बरोटीवाला के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवानों के ड्यूटी से गायब पाए जाने पर उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया। एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 7 जवानों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने कहा कि सस्पेंड किए गए पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि निलंबित होमगार्ड के जवानों को वापस बटालियन भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये कार्रवाई बीती रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा घोषित करने के साथ उन्हें बीमा योजना में शामिल करने के साथ अन्य वित्तीय लाभ भी दिए जाएं। राजेंद्र राणा ने कहा कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने संजीवनी बूटी जैसी कोई वैक्सीन इजाद कर दी है, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन कर्मचारियों को अनेकों कार्यों में ड्यूटी लगाई जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना प्रशिक्षण दिए इन महिला कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में भी धकेला जा रहा है, जो कि इन योजना कर्मियों से सरासर अन्याय है। कोरोना की शुरुआत से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोरोना से संबंधित हरेक कार्य में ड्यूटी दे रही हैं, लेकिन कोरोना महामारी की मैपिंग वह अन्य कार्यों में ड्यूटी लगाना गलत है, वो भी तब जब वे नियमित कर्मचारी ना होने के साथ साथ सभी वित्तीय लाभों से वंचित हैं। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में प्रस्तावित है। ऐसे में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सरकारी विभागों द्वारा जो टैक्सी किराए पर लेनी है, वो धर्मशाला की पंजीकृत टैक्सी यूनियनों के माध्यम से ली जाए। यह मांग ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश के वाइस चेयरमैन प्रेम सूद एवं रमेश चरियाल ने सीएम जयराम ठाकुर को प्रेषित ज्ञापन से उठाई है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोरोना की वजह से बड़ी बेरोजगारी के इस दौर में टैक्सी ऑपरेटर्स को कुछ काम धंधा मिल सकेगा। अभी तक हर विभाग अपने अपने ढंग से पूर्व से आ रही व्यवस्था के तहत टैक्सी किराए पर ले रहे हैं, जिससे एक ऑपरेटर को तो काम मिल जा रहा है,
जबकि शेष ऑपरेटर्स के पास काम नहीं है। ऐसे में पंजीकृत यूनियन से टैक्सी किराए पर लेने से टैक्सी ऑपरेटर्स को राहत मिलेगी। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में टैक्सी गाड़ियों का टोकन टैक्स 5 साल के लिए माफ किया जाए। टैक्सी गाड़ियों की किश्तें और इंश्योरेंस 2 साल के लिए बिना किसी ब्याज के आगे बढ़ाई जाए और इसके साथ अन्य कई मांगे उठाई गई हैं। कोविड संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला सोमवार को यानी कि आज संपन्न हो गया है। इस दौरान डीसी सिरमौर डॉक्टर आर के परुथी ने देवताओं की पालकी को कंधा देकर विदाई दी। इस दौरान रेणुका के विधायक विनय कुमार व एसपी सिरमौर डॉक्टर केसी शर्मा के अलावा अन्य अधिकारी व श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्रोच्चारण व ढोल नगाड़ों के बीच देव विदाई दी गई। कोविड महामारी के चलते इस बार रेणुका मेला सूक्ष्म तौर पर ही मनाया गया। इस बार श्रद्धालु भी मेले में नाममात्र ही जुटे, वहीं स्थानीय लोग भी मेले में ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचे। भगवान परशुराम व मां रेणुका के मिलन के अनूठे प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले में इस बार कोरोना का खौफ आस्था पर भी दिखाई दिया। इस बार मेले में केवल 3 देवताओं ने ही अपनी हाजिरी भरी, जबकि हर साल 4 देवता मेले में शिरकत करते थे। इस बार मंडला के देवता ने मेले में शिरकत नहीं की। मेले के समापन पर डीसी सिरमौर डॉक्टर आर के पारुथी ने क्षेत्र के लोगों को बधाई दी, साथ ही नियमों का पालन करने के लिए श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। आज का समाचार बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।